औरत हुए तो बस समाज परेशान हुई हुए, चाहे परिवारों तंग आई हुए, चाहे हस्बैंड परेशान हुई हुए, लेकिन मरबा के अलावा और कोई विकल्प कौन हुए के कि भाई मतलब आप जिंदा रह भी इंसान से मुकाबलो कर सकें, लड़ाई में जीत सकें। जी सारा ने सबसे पहले राम राम और ता बहुत बहुत स्वागत है मंजू सेसमा व्लॉग चैनल पर। तो आज आप बात करेंगे एक लड़की के बारे में। तो मतलब एक लड़की जब जन्म ले हुए घर के मायने तो भी माँ बाप मतलब पाले पोस से 4-5 साल की हुए जठिया तन भी मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा केयर करे, फिर वाह 5 साल की जाए भी ना एक मतलब बढ़िया जिंदगी देबा की खातर भी मतलब बढ़िया बढ़िया स्कूल में गालबा की कोशिश करे भाई भाई जठिया तन मेरी हैसियत हुए भी हूँ बड्डर भाई स्कूल में गाले भाई हाँ स्कूल में मेरी लड़की पढ़ जा लिख जा तो काल ना आगे चाल रहा खटे मतलब अटके को नहीं कोई काम का माने वह खुद को कर ले काम। फिर बात धीरे धीरे बड्डी हुए बिन आप मतलब अच्छा बुरा की पूरी समझावा भाई वो काम अच्छे है वो बुरो है पूरी समझावा। फिर बात थोड़ी और बड्डी हुए 20-22 साल की जानवी के लिए रिश्तों देखे ना माँ बाप पूरी कोशिश करे कि मेरी लड़की सुख पावे भी जगह ही देबा की कोशिश करे, लड़का ने भी देखे लड़का का परिवार ने भी देखे। फिर मतलब भी लड़की की कई बार किस्मत ख़राब हो जाए जो मतलब यान को परिवार मिल जाए गठिया जो भी मतलब मारपीट करे ठोके और कई सास ससुर भी बेकार हुए तो कई मतलब खुद को हस्बैंड भी ठीक उनमें शराब पी हुए मारपीट करे, कई लोग दहेज की खातर भी मारपीट करें, कई लोग यान खावे जिसको मतलब बनिया बेरो लाग जाए भाई एक पीछन कोई को नहीं मतलब माँ बाप मायका का मायने का कमज़ोर है, कई गरीब लोग हुए जहाँ का मतलब सामने आर बोल कौन सके ना बनिया ध्यान पड़ जाए भाई पीछे गरीब है तो आप इन कुछ भी बोल सकें एक साथ में कुछ भी कर सकें तो भी वे मारपीट करवा लाग जाए। तो मतलब वह लड़की पहली शुरुआत में तो वह बर्दाश्त करे शुरू से तो कि भाई बात जब तक कौन बोला आपका माँ बाप ने कि भाई आप सहन कर सकें बैठे तो कोई ने भी कौन बोला पूरी बात ने मतलब यहाँ समझे बर्दाश्त करे भाई ठीक है कोई बात को नहीं अपने परिवार के बेरो सुधर जा लो हस्बैंड हो चाहे सास ससुर हो चाहे देवर जेठ हो जो भी हो भाई यहाँ सोचे भाई हाँ ठीक है सुधर जा लो अपने परिवार है ठीक है कोई बात को नहीं एक दो बार मारपीट हुए बैठे तो सहन करे। और हर लड़की ने थोड़ी बहुत परिवार के मान खटपट हुए भी सहन भी करनी चाहिए लेकिन अठे दिन भी सहन नहीं करनी चाहिए कि मतलब पानी गला तक आ जाए हर बात हदों ज़्यादा इंसान आगे बढ़ जाए। फिर वह आपका माँ बाप ने बोले भाई हाँ मैंने मेरे साथ मारपीट हुए यही वजह से हुआ है जना माँ बाप थोड़ा दिन तो भी राख ले ले जाए तो ठीक है तू चाल मेरे साथ में जना भाई राख ले मनु दो मनु है मतलब परिवार वाला अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार बोलवा लग जाए भाई सासरे कौन जाए गए भाई सासरे कौन जाए गए जब फिर भाई माँ बाप देखे थे ठीक है एक बार देख लिया कोई बात को नहीं भेज दिया। फिर वह लड़की दोबारा कौन बोले माँ बाप ने क्योंकि बिन ध्यान है कि आप वापस आप जासियाँ बैठे और वापस अपन अठे बेच सी जिन्हें हूँ तो आप हैजगी बर्दाश्त कर लिया। फिर मतलब औरों सीमाओं बड्डर कोई काम हुआ जना वह फिर के करे कि वह आत्महत्या कर ले आप कई न्यूज में देखा कि कई लड़कियाँ कई औरतें हुए मतलब जकी वे टाका के मायने कूद जाए है 3-3 टावर पिछला दिन आप बाड़मेर के मायने न्यूज़ देखी कि एक मतलब औरत थी जी वह टाका में कूद की 3 मतलब बच्चों लेर तो कई फांसी खा जाए है जगह टावरान छोड़ रही और कई मतलब आपका टावरान जहर दे दो खुद जहर खा जाए कई मतलब कुआ कमाए कूद आत्महत्या कर ले हुए तो ये सब आपन कन वही विकल्प है कि भाई आप मतलब आत्महत्या ही करा आप भी इंसान हो जीता रह भी मुकाबलो कर सक एक मर्द की खातर आपने मतलब आत्महत्या करनी पड़े क्यों करनी पड़े अपन माँ बाप फटावें लिखावें की खातर फटावें हैं कि भाई आप खुद की रक्षा खुद कर सके आपके लिए आवाज़ उठा सके ये लिए वह पढ़ाएँ पढ़ाई को मतलब वो कौन है भाई वो नौकरी लगे पढ़ाई को मतलब वो भी है कि भाई आप सही गलत ने पहचान सकें हर सही गलत पर आवाज़ उठा सकें। हाँ ज़रूरी है परिवार की थोड़ी बहुत खटपट सहन भी कर सकें लेकिन अति भी ज़रूरी नहीं रखनी चाहिए कि भाई वह हदों ज़्यादा बढ़ जाए मौत तक बात पहुँच जाए क्यों करा आप आत्महत्या कोई दूसरा इंसान की खातर आप क्यों मरा आप आवाज़ उठावा आप बोल सकें आप कुछ कह सकें आप खुद आप कमार खा सकें आजकल तो कोई भी बिजनेस कर सकें आप पशुपालन कर सकें हाँ बकरी पालन कर आप पेट भर सकें खुद को पेट तो आप खियाँ भी भर सकें टावरों ने भी अपन पढ़ा लिखा सकें हर भी कोई भी चीज़ हो बस जीरो से ही स्टार्ट हुए कोई भी इंसान यहाँ को कोई हुआ जो मतलब करोड़ों रुपया लगा और बाद में बिजनेस स्टार्ट करे मतलब आप जीरो ही स्टार्ट कर जी दिन आप आसमान सूस आने भी दिन वो समाज वो परिवार जो आज आप मतलब चरित्र अंगली उठासी ना भाई हाँ आप सही को नहीं
वो समाज वो परिवार खुद हाथ जोड़ सामना सी कही हाँ आ सही ही। लेकिन शुरू शुरू पर हर औरत पर यही बोलिया करे भाई हाँ एगो चरित्र खराब है जना आज भेंडे को आदमी कोई कौन बोले भाई वो आदमी गलत है जना आलू गई हाँ मतलब साइड में हो रही है या खुद को बिजनेस चला रही है इं कौन बोले सीधी ये लुगाई पर अंगुली ठासी कि हाँ एक चरित्र खराब है एक पिछले एशिया ही हरे जन आ मतलब इं को काम करे है या अलग रहे है या इं करे भी करे सो बहाना है। लेकिन आप मरनू को नहीं क्योंकि जिस दिन आप मर जाने जर अपना माँ बाप जगह अपन पढ़ा लिखा रहता दिन पाल पोस बीस बाईस साल की करी ब जीवता जीव मर्जी खुद जीते जी मर्जी खुद अपने आप ही ब जीवता रहो चाहे मरो बन कोई मतलब को नहीं फिर वे इं मर्जी सी तो आप माँ बाप ने अपना सुख देवान मतलब अपन पढ़ाया है लिखाया है या अपन मरबा की खतर पढ़ा लिखाया है। तो इसलिए मैं हर लड़की ने हर औरत ने कहना चाहूँगी आपने मतलब परिवार में कोई भी लड़ाई हुए कोई भी झगड़ो हुए चाहे कुछ भी हुए हाँ नॉर्मल बात में सहन करो परिवार की बात है। बाकी जिस दिन हद्दू ज़्यादा बढ़ जाए ना फिर भी इंसान के मतलब वो हाथ उठा लेना भी दिन या नहीं सोचना चाहिए कि भाई ओ आप इन्हें दबावा बात ने आपका हित के मायने आवाज़ उठानी चाहिए हर लड़की कोई भी वह चाहेगा और चाहे कुछ भी करे दुनिया कुछ भी बोले हाँ लोग तो बोल सी लोगों को मतलब आदत वह बोल लूँ कि यार लड़की गलत है इं है बियाँ है लेकिन अपन खुद की आत्मरक्षा के लिए खुद ने आवाज़ उठानी बहुत ज़रूरी है। एक बार हाथ उठा ली थी ने वो इंसान कदे ही गुनमाने दोबारा आवाज़ उठा मतलब हाथ उठा ली सी तो जी दिन पहली बार हाथ उठावे ने भी दिन ही भी इंसान ने सबक सिखा देना चाहिए। आजकल तो सरकार ही कत्ता नियम बना रखे है कत्ता कानून बना रखे है लुगाइयों की खातर कि वो नंबर नहीं याद रहे तो ओनली अपना 100 नंबर तो डायल कर सका हाँ ज़्यादा नहीं पढ़ी लिखी हुई ओनली 5वीं पास हुए 10वीं पास हुए 12वीं पास हुए तो बन अतो नॉलेज तो हुए कि आप 100 नंबर तो डायल कर सका अनपढ़ ने भी जान हुए कि भाई 100 कत्ता हुए आजकल हर लेडीज गन नॉर्मली फ़ोन तो मिल ही जाए नहीं मिले तो अड़ोस पड़ोस में भी मिल जाए तो अपना कम से कम अतो काम तो कर सका हाँ अपना अपना टाबरा ले क्यों मरा खुद मरा हाँ अपना माँ बाप जीता जी मसी आपने पीछे जगह और रिश्तेदार है बन भी दुख उसी तो मतलब एक इंसान की खातर तो थान मेरे वीडियो खुशी होगी लगे मन कमेंट कर बता दियो और अपना चैनल पर नया हो तो अपना चैनल ना सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो लाइक कर दिया करो क्योंकि व्यूज़ तो नॉर्मली थोड़ा बहुत आवे लेकिन लाइक कम आवे तो अपना वीडियो लाइक कर दिया करो ठीक है मिलेंगा कल दूसरा वीडियो थैंक यू बाय बाय।